हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फर्स्ट मिनी ब्लॉग। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिना खर्च किए हुए या फिर बिना बाल खराब किए हुए आप हेयर्स को न्यू लुक कैसे दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो के ओर। तो ये देखिए, मैंने अपने बाल कॉम कर लिए हैं और सारे लटे सुलझा लिए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं डिज़ाइन करने के लिए इसके। तो मैंने ये अपने बालों के चार पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और उसको मैं अभी ये चोटी करने लगी हूँ। और ऐसे ऐसे चोटी करके आपको सारे भाग को चोटी करके रख लेना है। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके हेयर्स ख़राब भी नहीं होंगे, क्योंकि किसी कर्लर या किसी स्ट्रेटनर की मदद आप जब लेते हैं आपके हेयर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है या फिर आएंगी ही, ये कन्फर्म होता है। तो इसीलिए हमें कभी भी ऐसे कर्लर या फिर स्ट्रेटनर की मदद लेने से बचना चाहिए जितना हो सके। तो आप अगर ऐसी ट्रिक को अप्लाई करते हैं तो फिर आपके हेयर को 1% का भी नुकसान नहीं होता और आपका काम भी बन जाता है। आपको मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल पहले बहुत घने और बहुत ज़्यादा लंबे थे और मैंने स्ट्रेट किया है एक बार परमानेंट वाला, और फिर मैंने उसके बाद एक स्ट्रेटनर खरीदा और फिर मैं घर पे ही ऐसे कभी कभार ट्राई करने लगी। तो ऐसे करते करते मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़े और फिर अभी तो बहुत ज़्यादा पतले ही हो रखे हैं। ये आपने जितना देखा ये तो बहुत कम है मेरे बालों के लिए। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग स्ट्रेट करने से या फिर कर्लर यूज़ करने से जितना हो सके उतना बचे। तो ये देख सकते हैं मेरा अभी ख़त्म होने ही वाला है और फिर इसके बाद में जो लुक आएगा वो आपको सुबह की लुक भी दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो ये देख सकते हैं मेरे ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने इसे रबर से बांध लिया, तो अब मिलते हैं कल को। तो ये देखिए, ये है मेरा फाइनल लुक। और सुबह को मैंने जब चोटी खोला तो ये हेयर्स की ऐसी वाला डिज़ाइन बने हुए थे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।